नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ के प्रश्नों को हम देख रहे थे। मुख्यतः यूजीसी नेट में जो आ रहे हैं उसको हम देख रहे थे, और इसके साथ ही साथ हमने बताया था कि यूपी जुडिशरी का जो प्री का पोर्शन है वो भी इसमें कवर हो जा रहा है, लेकिन मुख्यतः ये यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ के पर्पज़ से ही है। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि जस कोजेंस जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 53 जो वियना कन्वेंशन है उसमें दिया हुआ है। अब आर्टिकल 53 सीधे कह देता है कि कोई भी ट्रीटी होगी, अगर वो जस्ट कोजेंस का वायोलेशन करेगी तो अपने आप में इनवैलिड हो जाएगी। इसी तरह से आइए नेक्स्ट पोर्शन में, यहाँ पर आर्टिकल 64 की बात कर रहा है, और आर्टिकल 64 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। इसी कन्वेंशन का ये कह रहा है, आर्टिकल 64 ऑफ वियना कन्वेंशन 1969 पोस्टुलेट दैट इफ़ अ न्यू प्रियम्पटरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ इमर्जेस एज इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज सच द एग्जिस्टिंग ट्रीटीज़ विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दैट नॉर्म वुड बिकम वॉइड एंड वुड टर्मिनेट। यानी अगर कोई नया फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में इमर्ज हो रहा है और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटी है जो इस नए फंडामेंटल प्रिंसिपल से कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो ऐसे में वो जो ट्रीटी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो वॉइड हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी। ये सीधे सीधे डायनेमिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ या किसी भी लॉ के डायनेमिक नेचर की बात करता है, और आपने सुना ही है लॉ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसको होना चाहिए, और डेड वुड शुड बी चॉप्ड ऑफ, यानी कि जो रिलेवेंस नहीं है या कुछ नया सुधार हो रहा है तो उसको जरूर वेलकम करना चाहिए, इसी पर आधारित है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से एक प्रश्न हमेशा आएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा है यूएनओ की फॉर्मेशन, तो इसे हमें ध्यान हमेशा रखना है। जितनी भी ट्रीटीज़ दी हुई हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए इसमें, कोई कांग्रेस हुई, कोई कन्वेंशन हुआ है, इसको आपको पढ़ना भी है तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसने 30 ईयर वॉर को एंड किया था 1648 में, वियना कांग्रेस हमारी 1815, डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस 1856, जिनेवा कन्वेंशन 1864 का है, और हेग कॉन्फ्रेंस दो हुई हैं, पहली 1899 की है और दूसरी 1907 की है। इसके बारे में पूछ लेता है कौन सी प्रिजनर ऑफ वॉर से संबंधित है, कौन ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर से संबंधित है, और किस में, मतलब कि जो वुंडेड हैं उनको हार्म नहीं किया जाएगा सोल्जर्स हैं, इन तमाम चीज़ों पे ये प्रश्न जरूर आता है। तो दोनों कॉन्फ्रेंसेस पे क्या बात हुई इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश कब हुई है, 10 दिसंबर 1920 को। 10 दिसंबर को भी हमारा ह्यूमन राइट्स डे भी होता है, ये भी याद रखना चाहिए। और ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद ही जो है लीग ऑफ नेशन बना था। अब देखिए, दूसरा है ट्रीटी ऑफ लोकार्नो, तो लोकार्नो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, उसी के वहीं पे हुई थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ लोकार्नो बोलते हैं। अगला है केलॉग ब्रायंट पैक्ट 1928 का है, जिनेवा कन्वेंशन 1929, यूएनओ हमारा 26 अक्टूबर 1945 को बनी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट डे भी पूछ लेता है तो 26 अक्टूबर है, याद रखिएगा। अब देखिए, हेगो ग्रोशियस वॉज बॉर्न इन 1583 एट हॉलैंड। दो नहीं तीन फेमस बुक्स हैं, कौन कौन सी हैं, डी जुर प्रेडे मेयर लिब्रम और डी जुर बेली एक पेसिस लॉ ऑफ पीस एंड वॉर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड वाली है वही है। अब इसी मामले में ओपेनहाइम ने क्या कहा था कि क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ विद इट्स होल प्रोसीजर एज ए साइंस ऑफ लॉ लाइन रिपीट हो गई है, गोज होली टू द ग्रोशियस थ्रू हिज बुक डी जुर बेली एक पेसिस। यानी कि कम्प्लीटली किसको श्रेय दे दिया है उन्होंने इस बुक में, जो सिद्धांत और जो बातें कही हैं उसको दे दिया है, ठीक है ना। ह्यूगो ग्रोशियस की इस बुक को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान बताया है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में। अब देखिए, मेन एक्सपोनेंट ऑफ ड्यूलिस्ट थ्योरी कौन कौन से हैं, तो ड्रेपल और एंजिलोटी दो नाम आते हैं। ड्यूलिस्ट थ्योरी कौन कौन एक्सपोनेंट हैं, ट्रेपल और एंजिलोटी, ये याद रहनी चाहिए। अब देखिए, इसको हम डुअल आंट से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डुअल आंट यानी एंजिलोटी और ट्रेपल। जॉली जॉर्ज वर्सेस द बैंक ऑफ कोचीन का जो केस है, तो बैंक ऑफ कोचीन 1980 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी कैन बी इफेक्टिव इन इंडिया ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट इनएक्ट्स ए लॉ टू एक्सेप्ट दैट ट्रीटी और लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट ट्रीटी। रिकॉग्निशन की बात आ रही है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों में, ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये ओपेनहाइम ने कहा था। सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ के कौन होंगे, स्टेट्स, केवल स्टेट्स ही सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ के, ये ओपेनहाइम का कहना था। वहीं इंडिविजुअल्स केवल होंगे सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ के, वो कैल्सन ने कहा था। तो ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी अगर स्टेट्स की बात आएगी किसने कहा था, स्टेट्स केवल हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ओपेनहाइम। और अगर ये बोल देगा कि केवल इंडिविजुअल, तो ये कैल्सन हो जाएगा। When the provisions is clear, the interpretation is done according to its meaning, even if it is against the provisions of international law. ये किस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज वीरेंद्र बहादुर पांडे 1984 का केस है। अब देखिए ये कोटेशन पूछा था किसने कहा था ये कोर्ट, द स्टेट इज ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन ए गिवन टेरिटरी। यानी स्टेट क्या है, ह्यूमन कम्युनिटी है जो क्लेम करती है क्या, मोनोपोली। जाहिर सी बात है एक ही यहाँ सोवरीन होगा ना, उस कॉन्सेप्ट में बोल रहा है लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स उस गिवन टेरिटरी में, यही डिफिनेशन है स्टेट की और जिसे दिया मैक्स वेबर ने। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ मॉन्टवीडियो कन्वेंशन द स्टेट एज ए पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पॉजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। मॉन्टवीडियो उरुग्वे या पैराग्वे में से किसी एक की कंट्री, किसी एक की कैपिटल है, तो वहीं कन्वेंशन हुआ था, तो उसी पे है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 मॉन्टवीडियो कन्वेंशन स्टेट एज ए पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पॉजेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, तो इसमें चार क्वालिफिकेशन बताइए। अब देखिए ये आर्टिकल 1 मॉन्टवीडियो कन्वेंशन के अनुसार स्टेट की परिभाषा है, ठीक है ना। तो परमानेंट पॉपुलेशन, एक डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इंटू रिलेशन विद अदर स्टेट। अब देखिए क्वेश्चन एक बार आया था टेरिटरी को लेकर के, माफ़ कीजिएगा गवर्नमेंट को लेकर के, तो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, डिक्टेटर भी हो सकता है, वो भी माना जाएगा। तो केवल डेमोक्रेटिक पार्टीज या डेमोक्रेटिक स्टेट ही माने नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डिक्टेटर हो सकता है, रूलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस वो गवर्नमेंट होनी चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए अदर स्टेट्स के साथ रिलेशन में आने की। इसी तरह से कैल्सन ने भी कहा है, जैसे हमने अभी पढ़ी ये आर्टिकल 1 मॉन्टवीडियो कन्वेंशन की परिभाषा है स्टेट की। अगली परिभाषा कैल्सन कहते हैं, अ कम्युनिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। तो ये क्या कंडीशन बता रहे हैं, चार इसमें भी बताया गया है। कम्युनिटी को क्या होना चाहिए, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इट शुड हैव कंट्रोल ओवर डिफिनेट टेरिटरी, यानी एक डिफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए और उस पर इसका कंट्रोल भी होना चाहिए। दिस डिफिनेट कंट्रोल शुड टेंड टुवर्ड्स परमानेंस, और एक कंट्रोल नहीं स्थायित्व की ओर सदैव प्रयत्नशील रहने की बात कर रहे हैं, यानी इसका अल्टीमेट गोल परमानेंस को मेंटेन रखना या उसी तरफ एंडेवर करना होना चाहिए। कम्युनिटी इस तरह से जो बनेगी उसे इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चार इसेंशियल ये कैल्सन ने बताए हैं, और जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो आर्टिकल 1 मॉन्टवीडियो के द्वारा बताई गई है, मॉन्टवीडियो कन्वेंशन जो है उसके द्वारा। अब देखिए थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन तो दो हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जिसको कहा जाता है कि इससे हेगल ने दी थी, या पायनियर ऑफ दिस थ्योरी इज हेगल, और सपोर्टर्स और प्रोपाउंडर्स में नाम आता है एंजेलोटी, हॉलैंड और ओपेनहाइम का। अब देखिए हमने डुअलिस्ट थ्योरी पढ़ी थी, हमने आपको बताया ना डुअल एंड, तो वो याद रखिएगा, अभी हमने पिछले ही पीछे ही पढ़ा है कुछ देर पहले, तो एंजेलोटी और ट्रैपेल थे उसमें, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब जो दो थ्योरी हैं रिकॉग्निशन की, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी या दूसरी डिक्लेरेटिव थ्योरी जिसे एविडेंशियरी थ्योरी भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव थ्योरी जिसे एविडेंशियरी थ्योरी भी कहते हैं, इसके प्रोपाउंडर और सपोर्टर हैं हॉल, वैगनर, पिट कॉबेट और ब्रायरली। नेशनलिटी से आने वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं, नॉट बॉम केस, ठीक है ना। अब ये देखिए लिंचेस्टीन वर्सेस ग्वाटमाला का केस था, ये था नागरिकता से संबंधित था, नेशनलिटी को लेकर के था, 1955 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या निर्णय दिया गया ICJ के द्वारा, लिंचेस्टीन सॉट अ रूलिंग टू फोर्स ग्वाटमाला टू रिकॉग्नाइज नॉट बॉम एज ए लिंचेस्टीनियन नेशनल, द केस हैज़ बीन साइटेड इन मैनी डिफिनेशन ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए इस केस में जो है ICJ ने डिस्क्राइब किया नेशनैलिटी को एज ए लीगल बॉन्ड हैविंग एट इट्स बेसिस
अ सोशल फैक्ट ऑफ अटैचमेंट, अ जेन्युइन कनेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस, इंटरेस्ट एंड सेंटीमेंट्स टुगेदर विद द एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इसका, क्योंकि इसके कारण से जो डिप्लोमेटिक असाइलम ले रहे हैं या पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं उनको प्रॉब्लम आने लगी थी, और उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इस केस का। और हमें जो दो चीज़ जाननी है कि नेशनैलिटी और नेचुरलाइजेशन पे जो क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे, तो हमें इसी को टिक करना है, ठीक है ना। नेशनैलिटी का क्वेश्चन था और उसमें नेचुरलाइजेशन का भी डिबेट हुआ था इस मैटर पे, तो जाहिर सी बात है उसी का एक पार्ट है नेचुरलाइजेशन, क्योंकि नेशनैलिटी गेन करने का तरीका ही है ये। तो ये हमें याद रखना है, और आप इस केस को ज़रूर पढ़ लीजिए, काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपको इससे। दो कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं नेशनैलिटी को लेकर के, जस सैंग्विनिस एंड जस सोली। तो जस माने आप जान रहे राइट, सैंग्विनस का मतलब होता है ब्लड, राइट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, या ब्लड राइट। अब इसमें क्या कहा गया, इसे प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी लॉ बाय विच नेशनैलिटी डिटरमाइंड और एक्वायर्ड बाय द नेशनैलिटी ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स। ब्लड से है तो चिल्ड्रन एट बर्थ में भी नेशनल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट इफ़ ईदर और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स हैव नेशनैलिटी ऑफ द स्टेट। इट मे ऑल्सो अप्लाई टू नेशनल आइडेंटिटीज़ ऑफ एथनिक, कल्चरल और अदर ओरिजिन। तो इस आधार पे जो सिटीजनशिप दी जाती है उसी की बात यहाँ की गई है। और दूसरा जस्ट अपोजिट जो आसान है आपको समझना, राइट ऑफ द सॉयल, यानी कोई भी उस टेरिटरी में पैदा हुआ है उस स्टेट नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, तो उसको जो है कॉमनली जो होता है बर्थ राइट माना जाता है सिटीजनशिप का, और उसे मिल जाती है। इट इज़ अ रूल डिफाइनिंग अ पर्सन्स नेशनैलिटी बेस्ड ऑन दियर बर्थ इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। जस सोली वॉज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, ये नहीं पूछेगा आपसे। जस सोली इंग्लिश कॉमन लॉ का पार्ट था, और जो जस सैंग्विनिस है वो रोमन लॉ से लिया गया था, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। जस सैंग्विनिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ब्लड डिसेंट एंड हेरिटेज, और वहीं दूसरी तरफ जस सोली says that a person becomes a citizen of a country if born within the country regardless of the citizenship of the parents, ठीक है ना। नेशनैलिटी पाने के क्या क्या मोड्स हैं, एक्विजिशन कैसे होगा, तो मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी ये 6 हैं, इसे हमें देख लेना है। और लूजिंग नेशनैलिटी के भी जो हैं वो 5 हैं, तो इन 5 को हमें देख लेना है। तो 6 क्या है इसे भी पढ़ लेना है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाई बर्थ, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई रिजम्पशन, बाय सब्जुगेशन, बाय सेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, खो कह सकती है, बाय रिलीज, बाय डिप्राइवेशन, बाय एक्सपायरेशन, बाय रिनन्सिएशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये तमाम प्रश्न थे जो इंटरनेशनल लॉ से आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन में। तैयारी करते रहिए, निश्चित तौर पे अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। हम दूसरी वीडियोज़ में इंटरनेशनल लॉ और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को लेकर के इसी तरह से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इससे फ़ायदा मिले। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।